जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस का जो अलग तरीके तरीके से वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो वेरिएंट्स ज़्यादा हो गए हैं और उसके साथ साथ इन्फेक्टेड रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लोकल एरिया में बहुत सारा डिमांड था कि लोगों को वैक्सीन चाहिए, तो बहुत सारे लोग हमारे रौफ भाई को अप्रोच किए वैक्सीन कैंप करवाओ बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह रौफ भाई उनकी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बेहतरीन तरीके से आज यहाँ पे कोविशील्ड फ्री कोविशील्ड का वैक्सीनेशन कैंप लगाए हुए हैं और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें आके वैक्सीन लेके अपना फायदा भी कर रहे हैं। शरीफ जो कैरल फाउंडेशन के सीईओ है, वो जो है लगातार आजकल खबरों में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि बीबीएमपी इलेक्शंस में खरीफ जो है उस्मान शरीफ आगे आ रहे हैं, इलेक्शन को नजर रखते हुए जो है उस्मान ये काम कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे फाउंडेशन और हमारा करोल ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर आप खिदमत देखेंगे तो कई सालों से हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं और कई से वेरियस सेक्टर्स में हम लोग खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, ताकि कोई इलेक्शन रिलेटेड नहीं है। इलेक्शन के पहले भी किया हम लोग खिदमत कर हैं, इलेक्शन के दौरान भी करके खिदमत, इलेक्शन के बाद भी हमारी खिदमत जारी रहेगी। तो ये कोई हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, विदाउट एनी पॉलिटिकल रिलेशंस, ये सिर्फ खल्क की खिदमत। हम लोग एक रूमर ऐसा फैल रहा है कि उस्मान शरीफ जो है बहुत जल्द आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, ये बात तो गलत है, मैं फिलहाल कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करके नहीं हूँ। मैं एनजीओ यूनाइटेड फाउंडेशन से अमीना, मॉर्निंग 10:30 को डॉक्टर्स आते हैं अप्रैक्समेटली, अब तो मोस्टली 130 होते थे, अब मोस्टली 30-50 ऐसा रीच कर रहे हैं। मॉर्निंग 10:30 से 2:30 तक करते हैं, और जो बाकी के और जो भी कल भी कर रहे हैं आज तक भी कर पाए होते थे, अब तो ओके परवाह नहीं, सब जने एग्री कर रहे हैं। अब बूस्टर के भी आने का है, अब पेरेंट्स को जो रिक्वायरमेंट हो को है बच्चों से, उसके वास्ते उन्होंने रेडी हो जाने पूरे भी। अब मोस्टली अभी हमारा एक डे बाई डे है, काम चलता ही रहता है। कितने लोगों को आपने? 100 से 150 लोग का वैक्सीनेशन हो रहा है, और रोज़ हर दिन इधर हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, हमारा अनवर लेआउट में जो है, हर दिन इधर हो रहा है। वार्ड ऑफिस बनाई है आपने, यहाँ पर आरोस पुलिस में जो है बहुत से सिविक प्रॉब्लम्स है, तो आप इन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सिविक प्रॉब्लम हम तो दिखा रहा है, मीडिया के थ्रू दिखा रहा है, हम एक आम आदमी है, आम आदमी पार्टी के हिसाब से हम जो काम करना है कर रहे हैं, रुका हुआ है वो काम पूरा क्लियर कर। आप ऐसा काम कर रहे हो कि आप दिखा रहे हो और काम कोई और कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है, मतलब आप उनको इतने साल नहीं किया ना। अच्छा, अब हम आके सिविक इशू हम जो भी है मीडिया में दिखा रहे हैं, हम करप्ट तो नहीं है, जो करप्ट करके आए हैं हम तो दिखा रहे हैं ना। सर एक बात बताइए, आप आकर दिखाना और कोई और आके काम करना, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। लॉजिक बोले तो अभी जो काम नहीं करके थे, जो 40% कमीशन पे पेंडिंग होके रुका हुआ था, वो काम अभी थोड़ा बहुत क्लियर है, अभी तो नहीं है पावर में, इंशाल्लाह पावर में आने के बाद और काम आगे करके क्लियर करेंगे। कुशाल नगर का वार्ड पूरा जो है, जो भी सिविक इश्यू है पूरा क्लियर करेंगे।